भगवान शिव सावन के महीने में जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इस वजह से पूरे सावन के महीने शिव शंकर का पूजा पाठ की जाती है। शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है। भोले भंडारी की आराधना की जाती है। दोस्तों आपको एक बात बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। आपको बता दें, भगवान शिव की शरण में कई हजारों मुस्लिम महिलाएं कावड़ लेकर निकली। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मुस्लिम महिलाएं कावड़ यात्रा पर निकली। चलिए आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए पूरे डिटेल में बता देता हूँ, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कावड़ यात्रा के आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलते रहे। चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है ये भी आपको बता देता हूँ। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। हमारे देश भारत में सर्वधर्म स्वभाव की विचारधारा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख एवं ईसाई सब मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। अभी अभी एक ऐसा मनोरम दृश्य देखने को मिला जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। बता दें कि मुस्लिम महिलाएं कांवड़ लेकर देवघर की यात्रा पर जा रही हैं। उनके कंधों पर जल से भरा कमंडल के साथ कांवड़ भी साफ देखा जा रहा है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे वीडियो में साफ साफ दिख रहा होगा, मुस्लिम महिलाओं ने कांवड़ को अपने कंधों पर रखा हुआ है। यह महिलाएं बुर्का पहनकर कंधे पर कांवड़ लेकर पोल बम का नारा लगाते हुए चल रही हैं। पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। देवघर में भी भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में पूजा भक्त एवं दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, उनके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। हिंदू तीर्थ स्थल पर मुस्लिम महिलाओं का जाना भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे मनोरम दृश्य है। और दोस्तों आपको साथ ही साथ बता दें कि इस यात्रा में हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई, जो देश में हिंदू मुस्लिम के बीच के प्यार को दर्शाता है। देश में लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन यह कांवड़ यात्रा उन जैसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। अब देश के हिंदू मुस्लिम संगठित हो गए हैं, यह किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाले वोट और वोट बैंक की राजनीति करने वाले अब सावधान हो जाएं। तो दोस्तों ये तो बात सही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और दोस्तों एक कांवड़ यात्रा की वीडियो दिखा रहा हूं, आप सभी लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं। देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।